जब आप एक ऐसा आइडिया खोज लेते हैं जिसके बारे में आप सोचना नहीं छोड़ पाते, तो शायद वो एक अच्छा आइडिया है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर का जन्म 20 जून 1869 में महाराष्ट्र स्टेट में बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव गुरलेसोर में हुआ। ये वही इंसान है जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी खुद की किर्लोस्कर ग्रुप नाम से 1888 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर जी का पेंटिंग और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ अपने बड़े भाई की मदद से बॉम्बे के जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1885 में दाखिला लिया। 2 साल के बाद पार्शियली कलर ब्लाइंड होने की वजह से इन्होंने पेंटिंग छोड़ दी, मगर उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्किल की बतौर विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट टीचर की नौकरी 45 रुपीज महीने पे मिली। उसी दौरान एलकी जी ने साइकिल का बिजनेस शुरू किया। बॉम्बे से साइकिल खरीद कर अपने गांव में बेचने शुरू किया। वह साइकिल सिखाने का 10 रुपए चार्ज भी लेते थे। ये उनका पहला वेंचर था। कुछ दिन बाद औरंगाबाद में लक्ष्मणराव किर्लोस्कर जी ने 70,000 रुपए का लोन लेके पहला लोहे का हल उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया था। उस समय किसान लोहे के हल के खिलाफ थे। किसानों को मानना था कि लोहे के वजह से जमीन बाधित होती है। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर जी ने कभी हार नहीं मानी। वो डटे रहे और किसानों को समझाते रहे। तब जाके एक किसान उनका कंपनी का हल लेने तैयार हो गया, जो कि उनको पहला हल बेचने 2 साल लग गए थे। वही कंपनी अब किर्लोस्कर इंडस्ट्री नाम से जानी जाती है। एलके जी को इंडिया के टॉप रिचेस पर्सन में गिना जाता है। थैंक यू दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, मैं हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।